लास्ट में बीड्स माला कैसे करते हैं। ओके ये बीड बैग, मेरी बीड बैग है। ओके बीड बैग में हम कभी भी ये फिंगर हम हमेशा स्मॉल होल से बाहर निकालते हैं। दिस इज द स्मॉल होल, हम इसको ऐसे पकड़ते कम से कम। ये बड़े वाले होल से हैंड डाला और इन फिंगर्स से मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर एंड थंब से हम माला पकड़ते हैं। ये वाली फिंगर हम ऐसे निकालते हैं। ओके तो हम फिर ऐसे से माला करते हैं। ये साक्षी माला, इससे हम गिनते हैं हम कितनी माला करते हैं। जैसे मैंने कल करी थी 2 माला, सो इसमें 20 बीड्स होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें 16 करनी चाहिए, तो हम उसमें से 4 को अलग गांठ मारते हैं, ऐसे नॉट करते हैं। फिर हम इससे गिनते हैं, इसको कहते हैं साक्षी माला। और इनसे हम माला करते हैं हरे कृष्णा हरे रामा वाले। ये सुमिरन गीत जिस पे हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद बोलते हैं। जो बाकी 180 बीड्स है, 101 बीड्स, उस पे हम माला करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट हरे कृष्ण सारा कंप्लीट करके हम जब दोबारा सुमिरन बीट पे पहुंचते हैं, दोबारा जय श्री कृष्ण बोलते हैं और साक्षी माला में वन माला कंप्लीट होती है। और भगवान जी की 108 बीट्स रानियां थी और उन सबके लिए हम एक एक बार बीट पे वो हरे कृष्ण बोलते हैं। और हम जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं हमें उनको सुनना भी चाहिए। हरे कृष्णा।